और सर नंबर 14 देखो, ये दे रखी है बैलेंस शीट, जिसके अंदर देखो आपके सब लाभ यानी के इधर दायित्व दे रखी है, संपत्ति दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 60,000 फेस वैल्यू है, इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फिर आपके लाभ दे रखे हैं, फिर मैंडेटरी रिमुनरेशन दे रखा है और टैक्स दे रखा है। इसने कहा है कि 2014-15 का जो लाभ है वो विशेष कारण से है, एबनॉर्मल रीजन के कारण ये लाभ हुआ। इसका मतलब जब भी विशेष कारण से कोई लाभ हो तो उस लाभ को हम नहीं लेते, इसको तो क्या करना है आपको कैंसिल करना है, पूरे साल में काम में लेने नहीं, क्योंकि तो विशेष कारण से होता है, एबनॉर्मल रीजन के कारण, इसलिए हम उसको लेंगे ही नहीं। फिर टैक्स 50% लगाना है, जबकि यार टैक्स जो कभी कितने लगा दिया, यहाँ एक 50 है और यहाँ एक 20 है, अलग अलग है, जबकि आपके जितना आफ्टर टैक्स है जितना टैक्स होता है, क्योंकि टैक्स रेट कितनी है 50% है, 50% हमेशा आफ्टर टैक्स और टैक्स एक ही होता है, अलग अलग सही लगाया हुआ है तो हमें सही करना होगा। तो इसका मतलब जो हमने घटा दिया था ये आफ्टर है, इसका मतलब क्या करना, वापस ऐड करेंगे ताकि आप बिफोर याद, आप सही याद करेंगे टैक्स, क्योंकि टैक्स 50% रेट है, 50% रेट क्या होता है कि आफ्टर टैक्स और टैक्स दोनों एक जैसे होते हैं, यहाँ अलग यहाँ अलग यहाँ अलग ये अलग या ये अलग है और ये क्या है आपके अलग है, जबकि दोनों सेम होने चाहिए, 50% टैक्स में सही नहीं है, वापस हम एडजस्टमेंट करेंगे, वापस ये जो फालतू के जोड़ रखे गलत वो क्या वापस क्या करेंगे, हम सही करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है जो आपके काम आएगी, सिक्का नाम है सेल्स का, वो कहते हैं हम सरप्लस में काम आएगी, आप क्या कहते हैं सुपर प्रॉफिट याद करेंगे, गुडविल फॉर्मूला क्या है, गुडविल कैसे याद करने का है, सुपर प्रॉफिट कितना होता रहा है हमें याद करनी है, गुड कितना होना सुपर प्रॉफिट का 3 गुना, तो ये आपके काम आएगी, नॉर्मल रेट पर काम आएगी, जो लिखा नहीं है। अब बैलेंस रिमूव कितना दे रखा है, आगे के दिनों में 25 होने की आशंका है, तो ये भी हम नहीं देंगे, तो कभी 15 ले रखा है, कभी 25 सही नहीं ले रखा है, तो ये वापस छोड़ेंगे और हमारे हिसाब से हम क्या करेंगे उसको रिमूनरेशन देंगे। तो ये जो हमने गलत जोड़ रखा है या गलत घटा रखा है इसमें से, देखो आफ्टर ये आफ्टर टैक्स मैंने रिमूनरेशन है, ये आप सही नहीं दे रखा है, ये दोनों का वापस ऐड करेंगे, वापस हम क्या करेंगे बिफोर याद करेंगे, और फिर हमारे नए पॉइंट्स के हिसाब से, मतलब टैक्स 50% लगाना, मैनेजर को कुछ रिमूनरेशन देना, एडवर्टाइजमेंट के जो खर्चे बढ़ जाएंगे ये भी एडजस्टमेंट भी बताओ, ये जो एडवर्टाइजमेंट कहाँ आता है, विज्ञापन है कहाँ आता है, पेंट के अंदर आता है, तो पहले ये करेंगे, फिर रिमूनरेशन देंगे, फिर वो आएगा PBIT, फिर उसमें आई भी घटाएंगे, मतलब इंटर घटाएंगे, फिर टैक्स की बारी आएगी, इतना करने के बाद पहले पेंट की मदे, फिर आपके इंटरेस्ट, फिर आपके टैक्स, इतना घटाने के बाद, और फिर 3% में बकाया को मतलब ही नहीं है आपकी, ये आपके अंश का मूल्यांकन काम आता है, यहाँ आपको लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहले देखो आप, पहले तो हम लेंगे ईयर, ईयर कौन सा है आपके 2012, 13, 14 और 15 और 16, ये हो जाएगा आपके प्रॉफिट, ये लाभ हमें नहीं लेंगे क्योंकि ये विशेष कारणों से कमी है, लाभ में कमी, या कह सकते हो एबनॉर्मल कारण होता है ऐसा, तो हमें इस लाभ को नहीं लेना है, तो केवल 3 लाख लेंगे, वो हो जाएगा 1,50,000, 1,90,000 और ये हो गया आपके 2,35,000। अब इसमें देखो हमने जो मैंने, ये तो आफ्टर है, ये जो है आफ्टर है, वापस जोड़ेंगे दोनों को तो क्या बन जाएगा आपके बिफोर बन जाएगा, बिफोर लाएंगे, क्योंकि मैनेजर से हमारे हिसाब से लगाएंगे, टैक्स भी 50% लगाएंगे, जबकि यहाँ टैक्स तो मिल ही नहीं रहा, कभी कुछ ज्यादा कभी कम ऐसा, तो टैक्स की रेट फिक्स होती है, आधा लगाएंगे, 50% लगाएंगे, तो क्या करेंगे हम मैनेजर रिमुनरेशन और जो टैक्स दे रहेगा वापस ऐड कर लेंगे, ये होता है आप कितना है 15,000 और ये हो गया है आपके 25,000, ये है 1,20 और ये हो गया है 1,75 और ये हो गया है आपके 2 लाख। अब क्या करेंगे इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या बनेगा आपके, वो बनेगा प्रॉफिट बिफोर, पहले किसके पहले, मैनेजर रिमुनरेशन से भी पहले और टैक्स से भी पहले, क्योंकि ये सही नहीं है, टैक्स अगर 50% होता तो ये दोनों सेम होते, क्योंकि आफ्टर टैक्स में बिफोर में देखो जैसे ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से अगर लेस करूं मैं टैक्स, जैसे मान लो मेरे पास 2,000 रुपए है, टैक्स आधा कितना होता है 1,000, घटाओ कितना बचता है 1,000, क्या आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टैक्स, दोनों सेम आफ्टर टैक्स और टैक्स दोनों सही नहीं, मतलब हमने रेट सही नहीं लगाई, तो रेट सही करने के लिए हम वापस ऐड करेंगे और हमारी तरफ सही याद करेंगे।
तो ये दोनों ऐड कर लो, 150 प्लस 15,000 प्लस 120,000, ये होता है आपके 285,000। 190,000 प्लस 15,000 प्लस 175,000, ये होता है आपके 380,000। फिर है आपके 235,000 प्लस 25,000 प्लस 200,000, ये होता है आपके 460,000। अब प्लस कर लेंगे इसमें 380,000 और प्लस कर देंगे 285,000, ये हो जाएंगे आपके 11,25,000। अब हम ज्ञात करेंगे एवरेज प्रॉफिट कितना, 11,25,000 है, 3 का भाग दो, तो भाग दो 3 का, तो कितना आएगा आपके, ये हो जाएगा आपके 375,000। अब ये देखो, अब आप कहोगे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपके, आप मैंने बताया था कि पहले लाभ देखना है कैसा है, घटता बढ़ता है या फिर कैसा है आपके, लगातार बढ़ता हुआ है। अगर लगातार बढ़ता हुआ है तो क्या लेंगे हम, वेटेड एवरेज, और अगर घटता बढ़ता नहीं, अगर घटता बढ़ता है तो क्या लेंगे, सिंपल एवरेज। लेकिन ये तो लगातार बढ़ता हुआ है, लेकिन सवाल के अंदर लिख रखा है कि आपको सामान्य औसत ही लेना है, आपको वेटेड एवरेज नहीं लेना। सवाल के अंदर पहली लाइन में सबसे ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन में, सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस शीट ऊपर लिखा हुआ है आपको सामान्य औसत लेना है, आपको वेटेड एवरेज नहीं लेना है। अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं होता तो हम यहाँ क्या लेते हैं, हम वेट लेते। ऐसा लिखा सामान्य का है तो 11% कितना भाग देंगे हम, 3 का भाग देंगे, कितना आया, 375,000 आगे। अब दो दो चीजें, एक तो ये वाली मैनेजर रेमुनरेशन और टैक्स को सही करेंगे, और कुछ तो एक दो पॉइंट नया है वो भी लेंगे। एक तो नया पॉइंट है विज्ञापन, विज्ञापन कहाँ आता है, पी एंड एल में, तो हम इसको क्या करेंगे, हम लेस करेंगे खर्चा आएगा तो फालतू तो खर्चा बढ़ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितना होता है आपके, ये हो गया है आपके 20,000 का खर्चा बढ़ जाएगा। दूसरा आपके देखो एक मैनेजर रेमुनरेशन, ये भी बढ़ जाएगा आपके, तो यहाँ लिखेंगे मैनेजर रेमुनरेशन कितना, हमने तो वापस यहाँ ऐड कर लिया था, जबकि ऐड नहीं, हमने क्या लेस करना चाहिए, क्या खर्चा आ गया इसके, ये आपके अभी तक मैनेजर रेमुनरेशन इसमें से घटाया हुआ नहीं, तो अब घटाएंगे, वो भी हमारे हिसाब से लेंगे नया, नया कितना 25,000 लेंगे, तो वो 25,000 लेंगे, बताओ ये कितना हो गया आपके, 45,000 कर देंगे इसमें से, माइनस 375,000 माइनस 45,000, ये आ जाएगा आपके 330,000। और ये क्या है आपके, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब क्या लेस करेंगे इसमें से, हम इंटरेस्ट आई लेस करेंगे, इंटरेस्ट कैसे, देखो इंटरेस्ट मतलब देखो हमें अगर विनियोग नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके देखो जब हम ज्ञात करें कैपिटल एम्प्लॉयड तो वहां हम विनियोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपके फाइल क्या नाम है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हुआ। अगर ये प्लांट एंड मशीनरी या किसी संपत्ति फिक्स एसेट्स में अगर हम ये करते अगर इन्वेस्ट तो आता, लेकिन ये अगर प्लांट एंड मशीनरी होता इन्वेस्ट किया हुआ तो आपके यहाँ आता और वहां ब्याज नहीं आता। लेकिन यहाँ देखो हम ये नहीं लेंगे तो हम इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, तो इंटरेस्ट क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब इंटरेस्ट कितना होता है, इंटरेस्ट दे रखा है आपके 5%, किसका, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, तो बाहर तो पता नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या लेंगे, फेस वैल्यू लेंगे, कितनी है आपके 60,000 का 5%, कितना होता है 3,000 रुपए, ये होता है 60 36 5% 3,000 रुपए घटाएंगे, ये आ गया आपके 327,000। अब पीबीआईटी के बाद आई घटाए बताओ, यहाँ क्या है आपके, ये आया है पीबीटी, इसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे बताओ, टैक्स लेस करेंगे, टैक्स कितना है आपके 50%, आधा बिल्कुल, तो 327,000 का आधा, ये होता है 1,63,500, और पीछे बच जाएगा आपके 1,63,500, ये आएगा आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि हमें क्या याद करनी है, गुडविल याद करनी है, गुडविल याद करनी है, ये वाला याद करना, उसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट याद करने का, ये पॉइंट हमने याद कर लिया। अब ये याद करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, वो तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे याद करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे याद करते हैं, फॉर्मूला क्या है याद करने का, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वो कहां से निकालेंगे, तो उसके लिए देखो आपके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड,
यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपकी गुडविल तो आएगी नहीं, गुडविल जो नहीं याद करनी नहीं आएगी। लैंड एंड बिल्डिंग कोई नया मूल्य नहीं है तो सीधा लिख दो सीधा ही 60,000। फिर प्लांट एंड मशीन जो हो गया है आपके 2,50,000। फिर हो गया है आपके फर्नीचर का हो गया है आपके 50,000। फिर इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं क्योंकि हमने वहाँ इंटरेस्ट नहीं लिया था, या फिर आप ये भी नहीं देंगे। फिर स्टॉक, स्टॉक ले लिया हमने 1,00,000 रुपये। फिर है डेटर, डेटर आता है आपके 2,50,000 का। फिर है आपके कैश, कैश आता है 36,000 रुपये। फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा, प्रीमियर नहीं आएगा, क्या आएगा प्रीपेड, कितना आएगा प्रीपेड आपके 4,000। और तो कोई संपत्ति है नहीं, नहीं इन सब को हम ऐड कर लेंगे। ये तो हो गया 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 6,00,000, 7,00,000, 7.5 लाख। ये होता है 7.5 लाख। इसमें हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे हम, करंट लायबिलिटी एंड कोई अगर आपके शॉर्ट टर्म डिबेंचर, शॉर्ट टर्म लोन है वो कर लेंगे। डिबेंचर हो गया जैसे ये रहा, ये तीनों पॉइंट, एक तो आएगा आपके 5% डिबेंचर, एक आएगा आपके क्रेडिटर और एक आएगा आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो ये कितना है आपके 50,000, ये है आपके 70,000 और ये होता है आपके 10,000। कितना होता है आपके 1,30,000, लेस कर देंगे ये आ जाएगा आपके 6,20,000। इसमें से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे हम, आधे साल का करंट ईयर प्रॉफिट। अब करंट प्रॉफिट कौन सा, ये वाला देंगे। अगर इसमें से और क्या लेस करेंगे, अगर कोई करंट ईयर में कोई चीज हुई है, करंट ईयर का मूल्यह्रास, कोई नई संपत्ति है तो, या फिर आपके मेडल वगैरह है, प्रोविजन वगैरह है, अगर करंट ईयर का कुछ है तो इसमें से लेस कर देंगे, बाकी ये वाला काम भी नहीं आता। क्या लेंगे बताओ, एक वो भी आफ्टर टैक्स लेना है, आफ्टर टैक्स लेना है वो भी, अगर इसमें से क्या घटाएंगे, अगर नए साल में कुछ हुआ है तो वो माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कितना हो जाएगा आपके 2,35,000, 2,35,000 का आधा ये होता है 117,500 माइनस 6,20,000, ये होता है 502,500। अब ये आया है 502,500 इंटू रेट कितना है, रेट कितना दे रखा है आपसे 12% इंटू 12/100 परसेंट निकालेंगे तो आपके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात हो जाएगी। 502,500 का 12% ये होता है 600,300 और 300। अब हम याद सूत्र कर दो, फॉर्मूला क्या याद करने का, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है आपके 1,63,500 माइनस 60,300, 163,500 ये आ गया आपके 103,200। अब गुडविल याद करेंगे, गुडविल कितना, सुपर प्रॉफिट का कितना गुणा है, 3 गुणा, सुपर प्रॉफिट का 3 गुणा, ये 1,03,200 का 3 गुना कितना आ जाएगा 3,09,600 या ये आपके गुडविल।